ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی ایک حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ رب کریم کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام مسلسل سفر اور دروس نے کافی تھکا دیا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے حق اور
सच कहने की तौफीक अता फरमा। फिर हम सब को उस हक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। शेखोना सरफराज अहमद हाफिज़हुल्लाह ताला के वालिद को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जितने भी मुवाहिदीन फौत हो चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। बरकतों वाली ज़ात वो ज़ात है जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत, बियदिहिल मुल्क, जमीन की बादशाहत, आसमान की बादशाहत, मखलूक पर बादशाहत, अपने फरिश्तों पर, रूहुल अमीन पर, अंबिया पर, सुलहा पर, अतकिया पर, औलिया पर, अगर कोई हकीकी बादशाह और शहनशाह है तो वो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी हर बात पर या तो अल्लाह के किताब से दलील दूँ या मोहम्मद करीम की हदीस से दलील पेश करूँ, क्योंकि यही हक है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के हाथ हाथ है। यहाँ पर बड़े मुफस्सरीन गुमराह हुए जिन्होंने अल्लाह के हाथ का इनकार किया। हम अहलुल हदीस अल्लाह की तमाम सिफात को वैसे मानते हैं जैसे रब अपने कुरान में बयान करता है, जैसे उसका नबी हदीस में बयान करता, बगैर किसी तावील तातील तमसील के। अल्लाह के हाथ हैं, बियदिहिल मुल्क हाथ हैं, कैसे हैं, जैसे उस रब की शान को लाइक। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो बादशाह, वो शहनशाह, वो हर शय पर कादिर है। चाहे यतीम को उठाकर इमामुल अंबिया बना दे वो कादर मुतलक। चाहे किसी मिर्जाई मुरब्बी को उठाकर अहलुल हदीस बना दे वो बादशाह। चाहे मुझ जैसे शरीयत के अदना से तालिब इल्म को तौहीद का फहम अता कर दे वो कादर मुतलक। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है, जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जिस तरह चाहता है, कुन कहता है फयकुन हो जाता। चाहे किसी को बेटियों से नवाज दे और चाहे किसी को बेटों से नवाज दे, यह बोली मई यशा इनासा व यह बोली मई यशा उजुकुर आओ युजुम दुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। चाहे बेटियां और बेटियां मिलाकर दे दे और चाहे किसी को एक बेटा भी ना दे, एक बेटी भी ना दे, ला युसअल, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। हम उस रब को मानते हैं, उस रब की दावत देते हैं,
और उम्मत की अक्सरियत उस रब को इस तरीके से जैसे अहले तौहीद मानते हैं वो मारने के लिए तैयार। हमारा ईमान फिर सुन लीजिए, हमारा पैगाम फिर पढ़ लीजिए, फिर समझ लीजिए। हम कायनात के अंदर एक को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, दिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद एक को मानते हैं, और अहलु हदीस के अलावा एक को बाकी उम्मत नहीं मानती। हर बस्ती का अपना मुश्किल कुशा, हर शहर का अपना मुश्किल कुशा, हर गांव का अपना हाजत रवा, हर बरादरी का अपना लजपाल, हर कौम का अपना गरीब नवाज, बंदा नवाज। हमारा ऐलान क्या है? कायनात का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राजिक अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, छीनने वाला अल्लाह है, बादशाह शहंशाह हकीकी अल्लाह है। ये सारे इंसान औलिया, अतकिया, सुलहा, शोहदा, ये सारे कब्रों में मदफून या धरती पर चलने वाले जिंदा इंसान सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। बस यही दावत देता फिरता हूं। हमारी तो रातें भी बाहर, हमारे तो दिन भी बाहर, हमसे तो गैर भी नाराज, नाराज हमसे अपने भी नाराज। कहते हैं हिकमतों से भरी हुई, मसलहतों से भरी हुई, हालात खराब है, बस्ती में अकेला हूं। दावत जरा देखिएगा, अभी साल ही हुआ है मस्जिद को बने हुए। ओ अहले इस्लाम, तेरी तो मस्जिद बन गई, तेरा इमाम मौजूद है, तेरा अमीर मौजूद है, तेरी जमात मौजूद है, तेरा यूथ फोर्स का काफिला मौजूद है। आप पलट कर जरा तारीख के और आप उठाकर देख, मक्का के अंदर न यूथ थी, न जवान थे, न मरकदी थी, न बरादरी थी, न कोई आगे था, न कोई पीछे था, न कोई दाएं था तो न बाएं था, अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ कर कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। तू नमाज की दावत देता फिरता है, कश्मीर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ता फिरता है, तू मस्जिद के लिए चंदे मांगता फिरता है, तू रमजान के लिए अफ्तारिया और सहरिया इकट्ठे करता फिरता है। पहले ये देख तो सही, वो रब को रब मानने के लिए तैयार नहीं। तो रब के नाम पर सवाल करता है, उसका अकीदा ये है, मस्जिद में भी सजदा करता है, दरबार में भी सजदा कर लेता है, मस्जिद में भी आ जाता है, कब्र पर भी चला जाता है, मस्जिद के अंदर भी पंखा लगा देता है, दरबार पर भी दरवाजा लगा देता है। उसका अकीदा ये नहीं है कि रब ही अकेला सब कुछ करता है। वह रब को मनाने के लिए उस बुजुर्ग की इज्जत, अजमत, शान, शौकत चढ़ावे, कुर्बानियां, बकरे दिवा कर रहा है। कहीं वो राजी होकर मेरे लिए मेरे रब को राजी कर दे। हम उस रब को रब ही नहीं मानते। हमारा दावा और ऐलान क्या है? कान खोल कर सुन लीजिए, दिलों पर हाथ रख लीजिए। हम रब उसको नहीं मानते जो किसी के साथ में मजबूर हो जाए। हमारा ऐलान क्या है? कायनात के सारे इंसान जमा हो जाए, सारे औलिया जमा हो जाए, सारे अतकिया जमा हो जाए, सारे सुलहा जमा हो जाए, सारे शुहादा जमा हो जाए, सारे अंबिया जमा हो जाए, इमामुल अंबिया भी शामिल हो जाए, और रब को किसी बात पर मजबूर करना चाहे। हम रब उसको मानते हैं जो सब की बात का इनकार करके वो मजबूर नहीं हुआ करता, मजलूम नहीं हुआ करता, वो चाहे तो कबूल कर दे और चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह अकबर। यही दावत तौहीद है, यही अंबिया का मिशन है, यही मसलक अहले हदीस है, यही शेख सरफराज की दावत है, यही कामरान नौजवान का पैगाम है, यही मेरा पैगाम है, यही यूथ फोर्स कहती है, यही मरकजी जमीयत अहले हदीस कहती है।
हम किसी बुजुर्ग के बुजुर्गी के इनकारी नहीं, हम किसी वली की वलायत के इनकारी नहीं, हम किसी दरवेश की दरवेशी के इनकारी नहीं। हमारा ऐलान ये है, ये सब नेक हैं होंगे, हमें नहीं खबर, खबर ये है ये सारे मिलकर भी मेरे रब को कहे ऐसे करना है। हम उस रब को रब नहीं मानते जो मखलूक के सामने मजबूर हो जाया करता। फर्क मानते तुम भी हो, अल्लाह है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो ये कहे अल्लाह नहीं, मानते वो भी है। मानने में फर्क, मानने में फर्क। तू मानता है इस तरीके से कि जब समंदर में जाता है तो ऐलान करता है, ए मौला अली ए शेरे खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। जब तू समंदर दरिया के अंदर कश्ती में बैठता है तू मानता इस तरीके से है, या बहावल हक बेड़ी धक हक धक, तू ऐसे मानता है। हमारा मानना यह है हम समंदर की लहरों में फंसे हुए हो, हम सहराओं के अंदर डूब हो चुके हो, हम दरियाओं के अंदर उलट चुके हो, हम उस जगह पर भी यही ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक फैदा रकीउ फिल फुल्की दहाबुल्ला। समंदर हो, सहरा हो, दरिया हो, मुसीबत हो, खुशकी हो, तरी हो, तंगी हो, खुशहाली हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, बाजार हो, घर हो, रात हो, दिन हो, हम हर हालत में एक को पुकारने वाले। तू दर्जनों को पुकारने वाला, तुझे नमाज से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि पहले रब को रब तो मान, फिर तुझ पर अल्लाह नमाज को फर्ज करता है। तू रब को रब मानने के लिए तैयार नहीं, मैं तुझे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। फर्क है मानने में, मानते तुम भी हो, मानने में फर्क। मानते हम भी हैं, तू अकेला नहीं मानता। नहीं नहीं, जो लेना है अल्लाह के पास वहदत के सिवा क्या है, जो लेना है वो ले लेंगे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू नहीं मानता, जैसे रब मनवाना चाहता है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बादशाहत किसके हाथ में है, शहनशाह कौन है, हाय हाय शहनशाह। जैसे तू मानता है वैसे हम नहीं मानते, जैसे हम मानते हैं तू मानने के लिए तैयार है। आ फैसला ये रब का कलाम करेगा, और मैं हर जगह पर हर जलसे में दिन हो रात हो इंतजामिया को पैगाम दिया करता हूं। स्पीकर आला लगा देते हो, पानी आला रख देते हो, जिस कुरान की तरफ दावत देनी है वो मुसहब तुम इमाम और खतीब के लिए रखते ही नहीं हो। हर जगह मांगना पड़ता है, लाइए जरा कुरान, हाय हाय लाइए जरा, इसको टेबल पर सामने रखा करें। इसी का पैगाम देने के लिए सब जमा हुए, और ये ही अलमारी में सजाया हुआ है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, मौत और हयात का खालिक कौन है। बस फर्क ये, मानने में फर्क। तू मानता है कि मेरे मौत का मालिक, मेरी जिंदगी का मालिक लाहौर का अजमेरी या इंडिया का, लाहौर का अजमेरी या इंडिया का अजमेरी, मानने में फर्क है। तू मानता है अपने बच्चे का नाम पीर दीता रखता है, अपना नाम पीर बख्श रख लेता है, अपने वालिद का नाम अली बख्श रख लेता है, परदादे का नाम मोहम्मद बख्श रख लेता है। तू भी मानता है, मानते हम भी है, हम अपने बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखते हैं, उसके वालिद का नाम अब्दुल रहमान रखते हैं, उसके दादा का नाम अब्दुल गफ्फार रखते हैं, उसके परदादा का नाम अब्दुल मुतकब्बिर रखते हैं। फर्क ये है, हम मानते उस तरह है जिस तरह कलाम कहता है, तू मानता उस तरह है जिस तरह तेरा अकीदा, तेरी बरादरी
तेरे फौजशुदा बुजुर्ग कहते हैं। फर्क ये है, हम मानते रब को उस तरह जैसे आमना का लाल कहता है, तू मानता उस तरह है जैसे अबू जहल कहता। नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कोशा, एक खुदा एक खुदा, हाजत रवा मुश्किल कोशा, एक खुदा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। अल्लाह अकेला है, हम मानते हैं अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बड़ा बेनियाज है, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। वो बड़ा बेनियाज है, जिसको चाहे खादिम बना दे, जिसको चाहे मुसल्ले का इमाम बना दे। वो बादशाह है, वो शहंशाह है, उसका ननियाली नहीं, उसके ददियाली नहीं, उसके ससुराली नहीं, कोई उसका कायनात के अंदर बराबरी करने वाला नहीं। हम इस तरह मानते हैं। तेरा मानना क्या है? तू रब के साथ गैरों को शरीक कर देता है, किसी को नूर मिन नूरिल्लाह कह देता है, किसी को अल्लाह का लाडला बना देता है। ये लाडला पीर चंदन शरीफ बाबरपुर के इलाके आमदपुर शर्किया के अंदर ये लाडला पीर कैसे कहा जाता है? ये इसलिए लाडला, इसने जब भी मांगा, जिस वक्त मांगा, जो मांगा, ये रब का लाडल है। रब ने इनकार नहीं किया। मैंने कहा मैं कैसे मानूं रब का लाडल है? धरती पर इंसानों के अंदर आमना का लाल है, वो मांगते हैं, रब नहीं देता। वो चाहते हैं अबू तालिब कलमा पढ़ ले, रब नहीं चाहता। बतला ये लाडला है या मोहम्मद लाडला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। वो बड़ा कादर मुतलक, बड़ा बादशाह, बड़ा बादशाह। बादशाह तो यहाँ भी नवाज शरीफ, आजकल खान साहब, पहले जरदारी साहब बादशाह थे कि नहीं थे? बादशाह थे। सऊदी अरब के भी बादशाह और मुल्कों भी, हम अपने मुल्क की बात करते हैं ताकि आपको समझ आए। ये भी बादशाह, नारे लगते रहे वजीर आदम नवाज शरीफ। वो गया तो वजीर आदम बेनज़ीर, उसे खामिद ने मरवाया तो सदर सरदारी। फिर आ गई पीटीआई, मजा ले लिया ना, रोटी से तरस गए हो, आ गई है। वो भी हमने बादशाह है कि नहीं? बादशाह, इनकारी नहीं, इनकारी नहीं। दुनिया का कोई शख्स अल्लाह की रहमत से मेरी बात को चैलेंज नहीं कर सकता। बादशाह मानते, बादशाह मानते कि ये बादशाह है। कुल इल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क वन तशा, आए हाय ये बादशाह है, इनको बनाने वाला कौन है? कुल इल्लाहुम्मा कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क। ओह, बादशाहों का बादशाह तूतिल मुल्क वन तशा, और जिसे चाहता है बादशाह बना देता है। भुट्टो ने कहा था अगर मैं खंबे को पीपल पार्टी का एमएलए खड़ा कर दूं, लोग इसको भी वोट देंगे। वो बादशाहों का बादशाह, बादशाह शहंशाह क्या कह रहा कुरान के अंदर? कुल इल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कहा है तुम्हारा भुट्टो बेनज़ीर जरदारी नवाब, और कल को ये कहा होगा ये दुनिया की बादशाह खत्म हो जाएगी, डोल जाएगी। सरकार जाग के बैठो, आपको कह रहा क्या इसमें? ग्रामी मोहतरम बोलिए जरा, बिलाल माशाल्लाह, अल्लाह इसको बिलाल के नक्शे कदम पर चला। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलता जमीन पर है, आवाज जूतियों की मदीने वाला जन्नत में सुन रहा। अल्लाह इस बिलाल को बिलाल बना दे, लंबी उम्र अता फरमा,
صحت والی عطا فرما. آپ کی آنکھیں بند تھیں مجھے نظر آیا, غلطی بھی ہو سکتی میری آنکھوں میں, اور میں نے کوئی بات کی ہے. مولانا مفتی بہت ہوتے ہیں حدیثوں میں, معذرت کے ساتھ سوال پوچھو تو کہنے تھے میرے کو لی پوچھ لا, شاہ جی نے کیوں تنگ کر دیں, کوئی نہیں بولے گا. بلال اللہ آپ کو ایمان والی زندگی دے. آپ کی آنکھیں بند تھیں مجھے نہیں خبر, مجھے بظاہر یہ لگا آپ سو رہے تھے. جب آپ کی آنکھیں بند تھیں تو میں کیا کہہ رہا تھا سوچ لو. نہیں بولا. اوہ بلال زندہ ہے کہ مردہ؟ چونڈی مار کے ویکھ لو پھر سنی نہ آنکھیں مڑ مر گیا سی. زندہ ہے, بول رہا ہے, بول رہا ہے, اور تمہارے تو بولتے ہی نہیں. اوپر کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا علی القبور, کدی وعلیکم سلام آیا؟ یہ تو بولتا ہے بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولتا ہے مسجد اہل حدیث. مجھے نہیں پتا یہ سنی ہے وہابی ہے کس عقیدے کا ہے, یہ سو گیا تھا. مسئلہ سمجھاتا ہوں, ہم رب کس کو مانتے ہیں اور تم کس کو مانتے ہو. یہ سو گیا تھا, میں نے اٹھا دیا, سپیکر بڑا آدھا, سید کا اپنا سپیکر رب کی رحمت سے وہ بھی بڑا آدھا. میں نے پوچھا بلال بتلا اتنی اونچی آواز میں میں نے کچھ کہا ہے؟ کہتا پتا نہیں, یہ زندہ جسے پتا نہیں لگتا تیرا زندہ نہیں. تو نے نہلایا کفنایا کندھے پر اٹھایا چار پار پر ڈالا کمر میں کپڑا ڈال کر قبر کے اوپر لٹکایا اندر بند کر کے مار پر لگایا گنبد بنایا. اب تو کہتے ہیں یہ سنتے وہ سنتا نہیں. ہم اعلان کرتے ہیں جو سو جائے وہ سن سکتا نہیں, اور جو مر جائے وہ کیسے تیرا رب اور پالنہار ہو سکتا ہے؟ مشکل کشا ایک خدا ہے, مشکل کشا ایک خدا ہے. تکبیر اللہ اکبر. مولانا طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی زندہ باد. رب کو ہم رب مانتے ہیں, فرق ہے ماننے. تو جا کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال ککڑ گھنتے پتر ڈے, تو اسے کہہ رہے جسے تو نے پرانا کر کے صدر پر کپڑا ڈال کر نہلایا تھا بغیر غسل کے تو نہیں اندر دے دیا تھا؟ میرے بزرگ ہیں وہ اپنے, میں خود سید ہوں, جتنے بھی سادات ہیں کبھی کسی کو بغیر غسل کے اندر کیا سوائے شہید کے. شہید کے ہائے 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 نہلایا, اور باہر سے مفتیوں نے کہا دیر ہو رہی ہے جلدی کرو, کسی نے کہا ایسے کرو, کسی نے, اس وقت مفتیوں کی جماعت وہاں کھڑی ہوتی ہوتی. پھر کفنایا, ٹھنڈے دل سے سوچئے, ٹھنڈے دل سے پھر کفنایا. شاہ صاحب نے کہہ دیا اوئے شرم نہیں آتی کدھر ہاتھ لگا رہا ہے, ذرا پیچھے ہٹنا, میں کپڑے تھے آپ پہ پا لواں. کبھی کسی مردے نے کہا ہے؟ آپ کو کیا پتا شاید کہہ ہی دیا ہو, چپکے سے کہہ دیا ہو. نہیں نہیں, اور جو سو جائے وہ اللہ کی صفات کا مالک ہو سکتا؟ ہم رب اس کو مانتے ہیں. تو جس سے سلام کر رہا ہے, التجا کر رہا ہے, استغاثہ دائر کر دیا ہے, امیدوں کا مرکز بنا دیا ہے, تو وہاں پر کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم رب اس کو مانتے ہیں. یہ تو سو گیا تھا, ہمارا رب تو وہ ہے نیند تو پری دور کی بات, ہمارے رب کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی. دلیل کیا ہے؟ مسجد تمہاری, مولوی تمہارا, نماز تمہاری, سلام تمہارا, اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ بابا کیا ہے؟ وہ سوتا نہیں. آؤ پھر سنو, وہ سوتا نہیں, سلاتا ہے, وہ کھاتا نہیں, کھلاتا ہے, وہ پیتا نہیں, پلاتا ہے. تو اس سے مانگتا ہے جو اس کا محتاج ہے, ہم تجھے دعوت دیتے ہیں اس سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ شاہ صاحب نے تو بڑی سخت تقریر کر دی, پھر دل کرتا ہے صاحب کا دور کے اندر
पहुंच कर उसकी अकल पे या हुसैन फंस गए हुसैन करो, मातम करो, मैं तुझे तेरे खालिक का तारुफ करवा रहा। तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कादिर, कादिर, कादिर है। और ये इराक का अब्दुल कादिर है, फर्क यही है। तू अब्दुल कादर से मांगता है, मैं कादर से मांगता हूँ। तू मखलूक से मांगता है, मैं खालिक से सवाल करता हूँ। तू इंसान होकर इंसान से मांगता है। और लालिया के मुसलमान, जा तेरा इलाका बस्ती तेरी, गांव तेरा, जमींदार तेरा। कभी किसी जानवर ने जानवर से भी सवाल किया? भैंसे हैं इधर इस गांव में, इस शहर में भैंस है, गायियां हैं है। कभी नौकर देर कर देता है चारा काटने में, खिलाने में, भूख लगी हुई है बेचारों को, प्यास लगी हुई है। कभी देखा एक गाय ने, जो बड़ी बुजुर्ग गायें थी, जवान गायों ने जमा कर रखा, अम्मा जी तू ही आज खवा छोड़। कभी गाय से मांगा है? और जानवर होकर नहीं मांगता, कुत्ता कुत्ता से नहीं मांगता, भैंस भैंस से नहीं मांगती, गाय गाय से नहीं मांगती, बैल बैल से नहीं मांगता, परिंदा परिंदे से नहीं मांगता, दरिंदा दरिंदा से नहीं मांगता। तू कौन है? अशरफुल मखलूकात, तू हय्यू कय्यूम को छोड़कर जब अपने जैसे वो भी मरे हुए इंसान से मांगता है, फिर मुझे कहने दीजिए, जैसे तू रब को मानता है मैं मानने के लिए तैयार? फर्क इतना है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और जिंदगी का निजाम है कि नहीं, एक ही खानदान, एक ही घर, एक ही गली। कभी बाबा फोत हो रहा है तो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बादशाह है ना। बाबे का गम मनाऊं कि बच्चे की खुशी मनाऊं? अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, क्यों मौत जिंदगी का निजाम क्यों? कि पता लगे कल ये बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर कब्र। कोई दुनिया में सदा रहा है? सदा रहा है? जिंदा पीर का उर्स नहीं होता? आप बड़े मज़े से कहते नहीं, जिंदा पीर फिर उर्स। पहले तो मरने के बाद उर्स मेले ठेले ये सब कुछ हुआ करते थे, फिर ये सियाने हो गए कि बाद वालों ने जो कमा कर खाना है तो अपनी ज़िंदगी में जिंदा पीर का उर्स खुद ही खाने लग जाओ। हर कारोबार को जवाल है सिवाय एक कारोबार को, हर कारोबार को उरूज और जवाल है सिवाय एक कारोबार के, वो कौन सा है? बड़े बड़े बाल रख लें, सबज चौगा पहन लें, कौम आपकी जो भी हो, मिरासी हो, चूड़े हो, जो मर्दी हो, मासूम शाह बुखारी नाम रख लें और एक कलम हाथ में रख लें और पहुंचा हुआ पीर बन जाएं, कभी आपके कारोबार को जवाल हो सकता? आए हाय हाय, आए हाय हाय। मैं एक दफ़ा फैसलाबाद से गुजर रहा था तो मेरा, क्योंकि ये मौजू है, मैं तो तलाश करता फिरता हूँ कोई चीज़ मिले कौम को बतलाऊँ। एक रक्षा मेरे सामने से गुजरा, उस पर लिखा हुआ था पीर चुप शाह। मैंने गाड़ी आमद को कहा ज़रा गाड़ी पीछे कर, ये इस बुज़ुर्ग की ज़रा ज़्यारत तो करें। नीचे लिखा हुआ था पीर चुप शाह, ये किसी को ना दम करता है, ना तावीज़ देता है, ना दवाई देता है, इसके पास बैठने से ही शिफा मिल जाती है। हाय हाय हाय, बस सोचिएगा ज़रा मुसलमानों की जमात, सोचिएगा ज़रा ठंडे दिल से। बात गलत हो तो तकरीर के बाद पूछ लीजिएगा, शाह साहब ये आपने गलत कहा है। हम सैयद, हमारे बुज़ुर्ग सैयद, हमारे दादा परदादा सैयद, सैयद भी जैदी जो सुन्नी भी नहीं होते, वाबी किधर से आ गए? वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए तुम्हें, देखे चेक करे तुम में से कौन अच्छाइयाँ करता। मुझे याद है रिलीज़ होने से पहले मैं इन पीरों का बड़ा मुरीद,
मुरीद से मुराद उनके पास जाना, मिलना, देखना, कुछ वसूल करने की कोशिश करना, कोई आयत मेनू भी दे। एक के पास जाया करता था, वो बड़ा ही चिट्टा, मूछें बड़ी बड़ी और क्लीन शेव, मूछें और दाढ़ी नहीं, मूछें बड़ी बड़ी, गोरा बहुत था, खूबसूरत था, बड़ा मज़ा आया देखने में। मैंने उससे पूछा, सबके लिए खाना लगा, चाय लगी, उसने ना खाना खाया ना चाय पी। जैसे आज मैंने अख्तर साहब के घर ना चाय पी ना खाना खाया। वो कहने लगे, शाह साहब खाना खाओ। मैंने कहा, आपने तकरीर का वादा कामरान ने लिया था, खाने का वादा तो नहीं लिया। अब चुप, जिसको बुला रहे हो उसको वादा दिया कि खाना मेरे पास खाना। आखिर नहीं, वादा नहीं, खाना तो होता ही है। मैंने कहा, नहीं ऐसे नहीं होता, सैयदों का ऐसे नहीं होता। सैयद तो आले रसूल होते हैं, आले रसूल, और फिर भाभी हो जाए तो फिर भाभी कदर नहीं करते। एन जी बाबा जी, एन जी है कहना। सो लगता है ये भी सैयद पीर ने की दुआएं। क्या बात कर रहा था इससे पहले, मुछाल है जिंदाबाद। देखा है बाकी सारे जनानियों को बैठे हुए ने कहेंगे, शाह जी तकरीर है, बड़ी छोटी तकरीर है, बड़ी सोहनी तकरीर, किश है तो ये तो ही आख्या क्या पता मैनू ही कोई नहीं। बात आखिर नकवी साहब आ गए ना, सौताई वे दे रहे, अगे कोई नहीं वेख्या। सुभान अल्लाह, मुछा वाल। मैंने कहा, नूर बड़ा, नूर बड़ा। कहने लगा, हमारे पीरों के चेहरे पे नूर ना हो तो भाभियों के चेहरे पे नूर होगा। मैंने कहा, इसने ना खाना खाया ना चाय पिए, ना खाना खाया ना चाय। कहते ना ये खाना खाते हैं ना चाय पीते। मैंने कहा, फिर आए रहा है, फिर कहा ये सिर्फ दूध पीता है। मैं कहा, किसे काले चूड़े नु सवेरे शाम दूध पिलाओ वही चिट्टा हो वैसी रे। आए अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाका, वो बादशाह है, एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, चार, सात आसमान बनाए। अब मानना क्या है, वहां भी मानता है उसको, आसमान का खालिक, सातों जमीनों का खालिक, फरिश्तों का खालिक, इंसानों का खालिक, जिन्नात का खालिक, अल्लाह है, मानता तू भी है, लेकिन वैसे नहीं मानता। अब मैं सवाल करता हूं, तेरी नालिया के अंदर जो आसमान की छत है, बतला किस बुजुर्ग ने इस आसमान की छत का कौन सा टुकड़ा बनाया। सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है, कौन सा टुकड़ा सजाया, जिस जमीन पर चलता है, जिस आसमान के नीचे रहता है। सवाल सैयद आले ज़ैदी का है, मतलब जमीन का कौन सा हिस्सा तेरे सैयद ने बनाया। बनाना ऐलान तू कर दे, ये टुकड़ा मेरे बुजुर्ग ने बनाया, आसमान मैंने बनाया, मेरे सादात ने बनाया। हम रब का कुरान लेकर कहेंगे, रब तो कहता है सातों आसमान। बोलो सातों आसमान। हाय हाय, अब बंदा बनाना मुश्किल है या इतना बड़ा आसमान बनाना मुश्किल है। उसके लिए ना ये बनाना मुश्किल है ना वो बनाना मुश्किल। वो बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का शहंशाह। मैंने कहा था, कहां गए तुम्हारे बादशाह, कल ये भी नहीं होगा, कोई और होगा। क्यों? तू तिल मुल्क मन तशा व तंजील मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहता है तख्त पर बैठा देता है और जिसको चाहता है तख्त से उठाकर तख्ते पर चढ़ा देता है। ओह वतो इज्जो मन तशा वतो दिलो मन तशा बियदिकल खैर। फिर वही आइए पीछे, तबारक अल्लज़ी बियदिल मुल्क। फिर आगे आइए, बियदिकल खैर, भलाइयां तो उसके हाथ में है। तो नांगे शाह के पास जाकर खैर मांगता फिरता है कि बाबा बड़ा ही पहुंचा हुआ है। मैंने एक दफा कह दिया था, मैं भी मानता हूं, मानने पर ही बात चल रही है ना, मैं भी मानता हूं और तू भी मानता है, तू भी कहता है पहुंचा हुआ, मैं भी कहता हूं पहुंचा हुआ। फर्क यह है
जैसे तू कहता है वैसे मैं नहीं कहता। उसने कहा आप कैसे कहते है? मैंने कहा पहुंचा हुआ जहन्नम के किनारे पर खड़ा इजराइल आया और सीधा गड़प। फर्क यही है मानने का, जैसे तुम मानते हो हम मानने के लिए तैयार नहीं नहीं है, और जैसे हम मानते हम तुम्हें मनवाने के लिए कयामत तक कोशिशें करते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रातें भी बाहर दिन भी बाहर, सफ़र पर सफ़र, उलमा के खुतबा के, मैं तो शरीयत के एक अदना से तालिब इल्म, ये बादशाह वहाँ ऊपर जाएंगे मैं भी जाऊँगा, आप जाओगे? याद कर लेना, जाओगे? जाना है, अदालत लगेगी, आए हाय बादशाह तो आ जाएंगे, नवाज़ जरदारी बेनदीर लाइन में लगे हुए, इमरान खान फलाना खान ये खान वो खान लाइन में लगे हुए, सैयद कहाँ होंगे? सादात जिनकी सीन को सलाम करते हैं, जिनको कहते हो ये सुनते हैं और वो हमारी इनके आगे इनकी थ्रू प्रॉपर चैनल इंग्लिश में कहा जाता, वो कहाँ होंगे? सब लाइन में लगे होंगे। दलील क्या? मेरे मोहम्मद करीम ने फरमाया कोई भी इंसान मैदान महशर में अपने कदम ना हटा सकेगा, हिला ना सकेगा, जब तक रब के सवाल का जवाब ना दे ले। अब पकड़े हुए, पकड़े हुए, यहां गौसिया बना दे, यहां गौसिया तहरीक है, यहां पीली चप्पल पीली पगड़ी पीला लिबास है, यहां गद्दी नशीन आस्ताना आली है, यहां सैयद के सीन को सजदे सलाम नजर और निरादे, वहां लाइन में लगा हुए पांच ये कुरान ऐलान करते मन्नी मालिया हरक अन्नी सुल्तानिया। कहते हैं वो किधर गए जो पांच पांच हजार की गथियां लिया करते थे, माँ अगना अन्नी माँ लिया, वो किधर गए? वो किधर गए? और ये हम ही नहीं कहते, आपकी कौमी असेंबली में भी शोर हो गया। चलो हम तो गुस्ताख, हम तो वहाबी, हम तो पता नहीं क्या कुछ, कौमी असेंबली ख्वाजा आसिफ नून लीग का लीडर और वजीर खारजा सैयद महमूद शाह कुरैशी गद्दी नशीन आस्ताना मुल्तान का, उसने बिठा कर कहा तुम हमसे क्या बात करते हो, तुम कब्रों और मुर्दों का कमाई और माल खाने वाले लोग। अब तो वो भी कहते हैं कोई जवाब था नहीं, वहां अदालत में खड़े होंगे जो आज मुरीदों को कहते हैं असा जानी है ते जन्नत जानी है, जन्नत हमारी है, जन्नत हमारी है, ठेकेदार वहां नजर भी नहीं आएंगे, और पीछे महकमा औकाफ तो पता नहीं कहां होगा। मांगनानी मालिया हरकानी सुल्तानिया, इस सियासत ने ये तर्जमा मेरा करवा लेना नकवी से तर्जमा, ये चुदराहट ने, ये आस्ताने ने, ये गद्दी नशीन ने, इस सुल्तानी ने मुझे बर्बाद कर कर रख दिया। रब कह रहा खुजूहू फगुल्लू, पकड़ो इसको। कल तो मुरीद पकड़ते थे केड़ी सरकार दा बैत है, आखे नकवी दा, उस तो वड्डी जैदी है, उसके कोल चला मंज, वड्डी सरकार है, वो उसे छोड़ता है उसकी बैत, कहते ए इत कशा ही नहीं, और वड्डी सरकार ना सुतने ना तो कमीज है, वड्डी सरकार उसकी बैत, आए हाय हाय हलक अन्नी सुल्तानिया खुदू फगुल्लो, पकड़ो इनको, जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? रब के बंदों को रब की बंदगी से हटाकर अपनी बंदगी पर लगा दिया, जुर्म ये, और ये छोटा मोटा जुर्म नहीं,
یہ وہ جرم ہے جس جرم کے خاتمے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے بادشاہ اور شہنشاہ نے انبیاء کے ایک طویل جماعت بھیجی قوم جرم خذو فغلو اب انہیں توپ پہنا دو ثم الجحیم صلو یہ دنیا میں کہا کرتے تھے سید کو آگ نہیں کھاتی سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا پہلے سنا ہے سید کو آگ وہ سید ہی کیا جسے آگ لگے سب سے بڑا سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برادری سید اسی میں سگا چچا سید اس کا نام کیا تھا ابو لہب جس نے عید میلاد منائی تھی مائی صوبیہ کو آزاد کیا تھا آئے ہائے سید تھا کہ نہیں قریشی تھا کہ نہیں ہے کہاں ہے کہاں بس خذو فغلو ثم الجحیم صلو ابھی غصہ مالک کا ٹھنڈا نہیں ہوا کیوں ان کا جرم بڑا تھا بندوں کو بنانے والا میں پیدا کرنے والا میں آنکھوں میں بینائی دینے والا روشنی دینے والا میں زبان کو قوت گویائی دینے والا میں پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا میں ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دینے والا میں اور یہ بابے انہیں کہا کرتے تھے پتر دا نام پیر پیراں دتا رکھی اس دتا ہے ہائے ہائے بس ماننے کا فرق ہے پکڑو ان کو یہ جرم نہیں کہ ٹوپی پہن کر پڑھتے تھے نہیں جرم یہ تھا مسجدوں سے ہٹا کر درباروں پہ لگا دیا تھا جرم یہ تھا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے مردہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لگا دیا تھا جرم یہ تھا جو گھوڑا بچارہ لوہے کے کڑے جو اس کے پاؤں کے نیچے لگے ہوتے وہ چل چل کر گھس جاتا ہے پھر سائیں کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کی ٹانگ پکڑ کر الٹی کر کے وہ پرانا اکھاڑ دیتا ہے نیا لگا دیتا ہے کیوں کہ اگر گھوڑا یہ پرانے کڑے پر چلا تو پھر کیا ہوگا گر جائے گا جو گھوڑے کو گھوڑے کا لوہا دل دل حسین کا گھوڑا جو ادھر منسوب ہے اس کے پاؤں کے نیچے لگا ہوا کڑا اس کے اپنے گھوڑے کو نہیں بچا سکتا تو نے اپنی گاڑی کے آگے لگایا ہوا ہے سرکار اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا فرق لگ گیا تیری عقل کو کہا پکڑو ان کو ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا پھر ستر ہاتھ زنجیر لے لو پھر اس مشرک قبر پرست تعویذ پرست پیر پرست سید کے نام پر کھانے والا رب کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والا اس کو جکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا جرم کیا ہے میں نے شروع میں کہا تھا میں ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں پر میری جماعت کے علماء بھی ذمہ دار ہیں میری بات کا نقوی سید اللہ اس کی علم اور عمل اور صحت میں برکتیں عطا فرما ذمہ دار ہے انہو جرم کیا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ رب پر ایمان نہیں لاتے رب کو نہیں مانتے آخری بات آپ کہہ سکتے ہیں جی بابوں کو تو آپ نے انکار کرا دیا قوم کو بابوں سے ہٹا دیا رب کو کیسے منائیں آخر منانا تو ہے منانا تو ہے ویسے مناؤ جیسے میرے محمد نے منایا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے مناؤ جیسے میرے محمد نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں تین آدمی غار کے اندر بڑا لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں بارش آئی اندر چھپ گئے اوپر سے پتھر آیا بند سارے بند سارے بند اور ادھر بھی بابے کو آپ بند
ऊपर मार्बल बंद, ऊपर गुंबद बंद, ऊपर गनमैन बंद, सारे सुभान बंद। अब क्या कह रहा था शाह जी ने तो सारी क्या गार में बंद, वो भी बंद, देव बंद या कोई जिन बंद या कोई परी बंद है बंद, हमारे सीने खुले हुए हैं कुरान से भी और हदीस से भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मजाह के तौर पर बात हो गई थी, शरीयत में मजाह जायद है, मजाक जायद नहीं है, याद रखिए ये नुक्ता, फिर सैयद साहब बयान करेंगे। अब तीनों बंद, अब तीनों ने क्या कहा, बाबा शाह जमाल हैं, बाबा नाथ शाह, बाबा मनात, माई उज्जा। एक दफा इधर एक कत्ल का केस हुआ तो मुझे भी जाना पड़ गया, तो उस वो जो मकतूल के वारिस थे वो कहने लगे, हमने सिफारिश की ये बंदा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी माई सफूरा का दरबार है पीर महल के करीब, बड़ा मारूफ। उसने कहा जी माई सफूरा के दरवाज़ा, माई का सफूरा का जो दरवाज़ा है ना दरबार का, वो ये आपका बंदा खोल दे तो मैं कहूँगा ये उनमें शामिल नहीं। वो बंदा बाहर आ गया, उसने मैंने कहा जा पूछ के आ, पूछ के आके दरवाज़ा खोलना के पार्टी दे। वो कहता शाह जी खुदा दा ना इतें ही तो ईद मेरी जान नू बनी हुई है, मैं जेल च बैठा पिया। मैं कहा नहीं पूछा खोलना दे, मैं इन पार्टी ना देव काम ही मुके। सुभान अल्लाह बंद। अब बताओ उसने किसको पुकारा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, और वो बादशाह है उसकी तरफ बुलाता हूँ, उसकी तरफ बुलाता हूँ सारे। अब ये क्या कहता है, अपना अपना अमल रब की दरबार में पेश कर। आए हाय मना, एक ने कहा मेरी रोजाना की यह आदत थी बकरियों को चरा कर लाता, दूध निकालता, माँ बाप को पिलाता, फिर औलाद को पिलाता। अल्लाह रात हो गई, अब्बा जी सो गए, आया दूध निकाला, सिरहाने ही खड़ा रहा, जगाया इसलिए नहीं अब्बा जी को नींद नहीं आएगी दोबारा, गया इसलिए नहीं अब्बा जी भूख से उठ गए तो दूध कौन पिलाएगा। और हम आते ही 1 बजे बैल देते हैं टी, और अब्बा जी बूढ़ा सोटी लेके, मुसलमान हो और जवानो मुसलमान हो, कहा रात बीत गई बच्चे पिलक पिलक कर सो गए, सो गए, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। और असी की करने वड्डी जी चादर लैके इधवाणा आईदे पूरा ते जनानी दे कमरे दे विच, ओए होए अब्बा जी आके किश है कि कोई नहीं, मैं चादर सर्दी लगती पई, ओए होए। और जिसने पाला, जिस बूढ़े ने तुझे कंधों पर उठाया उससे छुपाता है, उससे छुपाता है जिसने अपने मुंह से लुकमा निकाल कर तेरे मुंह में डाला। वो मुझे याद है अरब का वाकया, तारीख में लिखा है, बेटा बाप को कहने लगा अब्बा जी दिल करता है तुझे सेब खिलाऊं। बाप ने भी टेस्ट लेना चाहा, कहा फिर ऐसे कर इस पहाड़ के ऊपर बैठकर दिल करता है सारी फदा को देखूं, मक्का को देखूं, बैतुल्लाह को देखूं, ऊपर चढ़ वहां मुझे वहां खिलाना। बड़ा खुश हुआ, अब्बा जी को उठाया पहाड़ पर ले गया, सेब उठाए धोए। अब्बा जी ने कहा जरा दिखा कौन सा सेब है, हाथ में लिया और नीचे फेंक दिया सेब नीचे। बेटे ने दूसरा उठाने का, नहीं वो वाला लेकर आओ जो नीचे चला गया। वो लाया, वो लाया, अब्बा जी ने लेकर फिर वो फिर लाया, फिर चौथी दफा कहना अब्बा जी सेब खाना है कि नहीं, मैंने तुसा के उत्ते तले लाई हुई है। उन्होंने कहा थक गया, उसने कहा अब्बा जी कोई कोई हद होती है, सांस चढ़ गया। उसने कहा बेटा मैंने क्या सेब खाने थे,
यही पहाड़ था। तूने कहा पांव पर चल रहे, हाथ में तेरे गेंद थी, तूने वह गेंद पकड़ी और नीचे फेंक दी। 25 मर्तबा में गेंद लाता रहा, तू फेंकता रहा, मैंने तो 3 मर्तबा ही फेंकी है। अल्लाह रब की रजा तेरे लिए, अगर बाबा जी को मैंने दूध औलाद को ना पिलाया और उसमें नीयत ये थी अब्बा जी हमें दो गुस्से में बात कह दें तो हम मौलवी बनकर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं, काफर है, तेन पता ही कोई नहीं जिहाद कैसे होती है। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरी रजा के लिए अगर मैंने अपने वालिद को सुबह जब वो उठा तो मैं सिरहाने ही खड़ा हुआ था, दूध पेश किया, अगर तुझे राजी करने के लिए नेकी की थी पत्थर हटा के आसमान दिखा दे, रब ने 3रा हिस्सा फौरन ही अलग कर दिया। आया कोई बाबा, रब ने सुनी बगैर वास्ते नहीं। बाबा अली अजमेरी बिच आई, मैं बैतुल्लाह में खड़ा था, एक माही हज करके हटी, तवाफ विदा किया तो फोन करती है, पुत्र वंज के अली अजमेरी दी कबर ते दाह बेगत देगा चढ़ा दे, उस मैनू हज करा छोड़ाई। हाय हाय हाय, इस कौम को कौन तौहीद की दावत देगा? तुमने अपने स्टेजों पर गवैये पाल रखे, खोता कटिंग सुनाना है जालिमो, और सुन्नी मुसलमान वापी मुसलमान, तूने इनका वारिस किसको बना दिया जिसे देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता? जी उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, उस मौलाना को बुलाओ, उस मौलवी को बुलाओ, उस बुजुर्ग को बुलाओ, लोग बड़े आते हैं, वो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ता। हया पर शर्म करो, अपने इस मसनद की हिफाजत करो, अपने उलमा की हिफाजत करो, अहले इल्म को बुलाया करो, अहले इल्म से सुना करो। कभी वो वक्त याद है हमारे उस्ताद हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहिमहुल्ला कहा करते थे, जिसका दर्स सुनने गए वो पहले चेक कर लो उसका उस्ताद कौन है, इसहाक झालवी उसका उस्ताद तो नहीं है, जिसके दर्स में बैठे पहले समाज चेक किया जाता था। अब जो मिरासी उठता है वो मसलक अल हदीस के मिंबर पर बैठा दिया जाता है, पत्थर हट गया। और सुन लो मैं ये बात, डंके की चोट जब तक जिस्म में जान और मुंह में जुबान और जिस्म में खून का आखिरी कतरे, मैं तुम्हारी वहाबियत को, तुम्हारी सुन्नियत को, तुम्हारी अहलेदीसियत को जगाता ही रहूंगा। ये मसनद हमारी है, इस मसनद पर किसी मिरासी को बिठाने की इजाजत नहीं। मैंने एक मुलाकात की थी तुम्हारे शेख सरफराज हाफिज़ुल्लाह ताला से, अल्लाह की कसम एक, वह जब मुझे कहता है फलां इलाके में दर्द, भागता ही आता हूँ, क्यों? मुझे लगता है मेरे इल्म के मुताबिक जो कहता है अमल करता। हाय हाय हाय, पत्थर हट गया। अब सवाल है मुसलमानों से, किसका वास्ता था? आखिर मैं तेनू थे तू उत्ते। आह, दूसरा आया, बस यही हदीस और आप बात खत्म। दूसरा आया, कहा मैं अपनी चचादाद बहन के साथ जिना करना चाहता था, 100 दिनार पर, पैसों पर सौदा तय हो गया। जब मैंने पैसे दे दिए हम दोनों बरहना हो गए, उसने एक ही बात कही, इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। मैं तो भूख की वजह से मजबूर हो गई, अल्लाह मैंने पैसे भी छोड़े, जगह भी छोड़ी, भाग खड़ा हुआ, अगर तेरी रजा के लिए ये नेकी मेरी कबूल कर, पत्थर दूसरा हिस्सा भी पत्थर गया, तेरे बाबे ने हटाया था, तेरे सैयद ने हटाया था। तीसरी बात, और बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है, थोड़े से चावलों के ढेर पर
तारीख बतलाती है 6 किलो और 12 छिटाक मजदूरी पर, 6 किलो 12 छिटाक इतने से चावल की मजदूरी पर मजदूरी करवाई। मजदूर फारिग हुआ, उसने कहा थोड़े पैसे हैं और दे, उसने कहा तय यही हुआ, उसने कहा ये भी रख ये भी, और कहते हैं शुक्र है वाह वाह मेरे मौला काम भी हो गया और पैसे भी नहीं लगे। कहते हो कि नहीं कहते? ईमान ही कोई नहीं, न तू मुसलमान तेरा कोई और फारे। कहते वह नाराज होकर चला गया और हम कहते हैं दोस्तों में शाम को बैठकर आज बड़ा ही मजा आया, क्या हुआ जी? मजदूरी करवाई, उसे गुस्सा आ गया, दफा हुआ, जान छुटी, सारा काम भी हो गया मुफ्त। रब देता है तो ऐसे देता है, ला हौला वला कुव्वत, सुअर खाता है कोई अल्लाह से डर। बात लंबी ना हो जाए, कहते मैंने वो चावल लिए तो जमीन में फेंक दिए, मुंजी लग गई, मैंने कटाई करवा दी, पैसे आ गए, मैंने नौकर रख लिया, मैंने गायें ले ली, मैंने बकरियां ले ली, मैंने फलां ले, मैं फलां, कारोबार बढ़ता चला गया उसी के पैसे। कई साल गुजर गए, वो भी भूखा मरता, उसने कहा चल जैदी के पास जाकर या चौधरी के पास जाकर नकवी के पास, कोई भी कह लो, मिसाल अपनी देते हैं, वो 6 किलो चावल ही ले आते हैं, भूखे मर रहे हैं, खान तो रोटी भी नहीं देता अब, तो कुछ भी नहीं रही हमारे हाथ में, तो वही ले आते हैं। दरवाजा खटा, बाद चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा सरकार, उन्हें कहा हाँ जी आ गए, उन्हें बात अगे आख्या ही नहीं हो, ले जा आ गया ना, उन्हें कहा सरकार वही 6 किलो ही दे दो चावल, उसने कहा नहीं 6 किलो नहीं है, उसने कहा क्यों? उसने कहा ये जो मनों की ढेरी पड़ी हुई है ये भी तेरी, ये गायें भी तेरी, ये नौकर भी तेरा। सुभान अल्लाह। उसने कहा मजाक गरीब से ना किया कर, अल्लाह ने तुझे दे दिया तो मजाक, उसने कहा मजाक नहीं, वही तेरे 6 शेर ये जमीन में डालता रहा, ये सारा कुछ तेरा है। अल्लाह, उसने भी झाड़ू देकर एक सुई भी ना छोड़ी और गया। अल्लाह अगर तेरी रजा के लिए ये नेकी की थी, ये कबूल कर, यही वसीला, यही तुफैल, यही सदके, पत्थर हटा दे, रब ने पत्थर उठाकर वो मारा तीनों बंदे बा। सुभान अल्लाह। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।